हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर की साइड कैसे निकाली जाए। दोस्तों, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी दे रखा है जिसका वर्टेक्स राइट एंगल बी है और इसमें स्क्वायर इंस्क्राइब किया जाए जो लार्जेस्ट पॉसिबल है, तो उसके चार वर्टेक्स में से स्क्वायर के चार वर्टेक्स में से पहला वर्टेक्स होगा राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल राइट एंगल के वर्टेक्स पर और बाकी के तीन वर्टेक्स उसके तीन साइड्स पर होंगे। अब अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू क्विकली कैलकुलेट की जा सकती है परपेंडिकुलर साइड्स का प्रोडक्ट करके उसके सम से डिवाइड कर दिया जाए तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ए बी दे रखा है 3, बी सी दे रखा है 4, 3 प्लस 4, 3 इंटू 4 इज 12, 3 प्लस 4 इज 7। दोस्तों, ए की वैल्यू आ जाएगी 12/7। This is the length of largest possible square inscribed in a right angle triangle. एक सेकेंड में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखें और एग्जाम्पल। 12 और 15 दे रखी है साइड्स, अगर हमें इसकी लेंथ निकालनी है दोनों का प्रोडक्ट कर दो और दोनों को एड कर दो। 12 इंटू 15 को एज इट इज रखते हैं, 12 और 15 का सम हुआ 27, 3 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 20/3 साइड आ गई 20/3। और कभी कभी इसका एरिया भी पूछ लेते हैं तो एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर यानी 20/3 का स्क्वायर, दैट इज 400/9। तो क्विकली बहुत आसानी से बहुत फास्ट एक सेकंड में हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखिए। 20 और 30 साइड्स दे रखी है परपेंडिकुलर साइड्स और हमें इस स्क्वायर की साइड निकालनी है तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके इन दोनों के सम से डिवाइड कर दिया जाए तो ये 600/50 हो जाएगा और जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो 12, इस स्क्वायर की साइड आ गई 12 सेंटीमीटर और मीटर वॉट एवर, दस इस इन दोनों का यूनिट जो भी दे रखा हो, इस स्क्वायर की साइड हो जाएगी 20 × 30/20 + 30, इसकी वैल्यू 12 आती है। एक और एग्जाम्पल देखिए। ए की वैल्यू निकालनी है, लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर की साइड निकालनी है, परपेंडिकुलर साइड्स का प्रोडक्ट कर दो और उनका सम से डिवाइड कर दो, ये 6 × 9/15, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 2 × 9 = 18/5, 3.6, तो ये साइड हो जाएगी 3.6 सेंटीमीटर। दोस्तों, इस तरह से हम लोग बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखें। लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर परपेंडिकुलर साइड्स का प्रोडक्ट परपेंडिकुलर साइड्स का सम 15 × 25/40, 5 8 = 40, 5 3 = 15, 75/8, 75 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 9.375, ये साइड जो स्क्वायर की है वो 9.375 हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। आप हमारा वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह के शॉर्टकट टेक्निक्स बहुत सारे वीडियो मिलेंगे।